फाइव सिक्सटी नाइन का ये यूनिकॉर्न बैग आपको सिर्फ और सिर्फ ढाई सौ रुपये में मिल जाएगा आपको ये डिस्पेंसर जो टू थर्टी सेवन का दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ नाइन्टी रुपीज़ में यानी कि नब्बे रुपये में मिल जाएगा बीड नेकलेस सिर्फ पचास रुपये में मिल जाएगा इसके अलावा बहुत सारी ऐसी आइटम्स जो आप ऑनलाइन लेते हैं और बहुत एक्सपेंसिव रहती है जैसे कि ये स्टोरेज बॉक्स सिर्फ साढ़े तीन सौ रुपये का है ऐसी सारी आइटम्स आपको इस मार्केट में मिल जाएगी ये एकदम दिल्ली की सबसे सस्ती और सबसे बढ़िया वाली मार्केट है मैं आ चुकी हूँ संडे सदर पटरी बाज़ार जी हाँ संडे को ये बाजार लगता है क्रॉकरी मार्केट लगती है यहाँ पर होल रिटेल दोनों का काम होता है और आपको संडे के दिन पटरी बाज़ार पर सिंगल पीस यानी कि रिटेल में एक पीस भी मिल जाता है आपको सिर्फ़ पचास रुपये में ये स्क्रब मिल जाएगा सिलिकॉन का आपको पाउचेस मिल जाएंगे जो जितना ऑनलाइन आप देख रहे हैं उसके आधे के भी आधे रेट्स पे मिल जाएंगे तो आ जाइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं व्लॉग यू नो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा तो चलिए आ जाइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं आना कैसे है आपको बारह टूटी चौक आना है आर के आश्रम नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वहाँ से आपको दस रुपये में ई रिक्शा बारह टूटी चौक पर छोड़ देगा वहाँ से आपको सीधा कुतुब चौक की तरफ़ आना है कुतुब चौक ख़त्म होने से पहले ही क्रॉकरी मार्केट वाली गली के अंदर आपको किसी से पूछ लेना है मार्केट की स्टार्टिंग में बहुत सारे स्पोर्ट्स के यानी कि बैट्स के और बॉल्स वगैरह लेकर भैया बैठे रहते हैं मैं आपको भी दिखाती हूँ कैसे ये गली की एंट्री है और यहाँ पर ऐसे कैरम बोर्ड्स स्पोर्ट्स वाली आइटम्स रहती हैं ये इस गली की निशानी है कि ये गली शुरू हो रही है और एक ऐसी गली है जहाँ पर आपको बहुत बढ़िया ख़जाना मिलेगा बहुत ही कम दामों पे तो आ जाइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं आपको इस तरीके से सारे के सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे फिफ्टी रुपीज़ का आपको एक ग्लोब का स्टैंड मिल जाएगा जो आप अपने टेबल पे रख सकते हैं इसके अलावा ये बच्चों के मैंने बताए थे जैसे भी कि फ़िफ्टी रुपीज़ के ये बीट्स के नेकलेस दे रहे थे भैया जो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और इनके पास इस तरह के क्लिप्स भी थे जो तीस रुपये का पैकेट था इसके अलावा आपको ये वाला देखिए ये मिल जाएगा वन फोर्टी का पूरा पैकेट मिल जाएगा ये पूरा पैकेट लेना पड़ेगा इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें दिखाती हूँ आपको ऐसे हेयर बैंड्स मिल जाएंगे ये वाला हेयर बैंड जो था भैया ने बताया साठ रुपये का जी सिक्सटी रुपीज़ की प्राइस रहेगी इस हेयर बैंड की जो बहुत बढ़िया लगा मुझे देखने में भी खूबसूरत लग रहा था तो इस तरीके की ऑनलाइन आइटम्स जो आप सर्च करते हैं बहुत महंगे महंगे प्राइसेस वो आपको ये थर्टी रुपीज़ की एक छोटी सी हार्ट वाली लिटिल डिब्बी मिल जाएगी जिसमें थ्री रिंग्स लगी हुई हैं उसके बाद आपको नाइन्टी रुपीज़ में ये फैंसी कैप मिल जाएगी फॉर बेबी गर्ल्स काफ़ी प्यारी है सीक्वेंस वाली जो बिल्कुल यू नो फैंसी और पार्टी टाइप लगती है उसके अलावा आप आपको ऐसे पूरे के पूरे पैकेट्स मिल जाएंगे नाइन्टी रुपीज़ के अंदर जो बहुत ही नॉमिनल प्राइस है उसके बाद आपको ऐसे वो वाले क्लिप्स मिल जाएंगे आप सिंगल भी ले सकते हो आपको ब्रेसलेट्स मिल जाएंगे दस रुपये में तो बहुत बहुत बढ़िया वाली ये सेल रहती है यहाँ पर हमेशा यानी कि आप संडे को कभी भी आएंगे तो यहाँ पर ये पट्टी बाज़ार सुबह छः सात बजे लग जाता है और शाम तक रहता है तो यहाँ से आप सारी आइटम्स ले जा सकते हैं भैया की शक्ल मैंने दिखा दी है तो आप यहाँ से आराम से शॉपिंग कर सकते हैं एट दिस प्राइस ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके बाद ये यूनिकॉर्न बैग जो अभी आपने देखा स्क्रीन पर जो फाइव सिक्सटी नाइन समथिंग ऑनलाइन मिलता है ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ढाई सौ रुपये में खुद भी ख़रीदा क्योंकि मुझे कंजकों पे गिफ्ट करना था और आप भी ऐसे यूनिकॉर्न बैग्स ले सकते हैं इनके पास इस टाइप के ऐसे स्लिंग बैग्स भी हैं जो जिनका प्राइस है थ्री हंड्रेड के अराउंड इसके अलावा इनके पास जो भी वैरायटी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें कलर्स आप देख लीजिए तो ये सारी चीज़ें इन भैया जी के पास मिल जाती हैं गली में आपको एंट्री एक ही गली है और बस वही चलती रहती है उसके अलावा आपको ऐसे घर में लगाने के लिए पोचे के पैकेट्स मिल जाएंगे और ये आपको डस्टर्स मिल जाएंगे टू फोर्टी का ये बारह का पैकेट था जो तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस पे रहता है आप इनसे थोड़ा बहुत लिटल बिट बार्गनिंग भी कर सकते हैं और जहाँ बार्गनिंग होती है वहाँ ही कर देते हैं आपको ऐसे किचन के नैपकिन्स मिल जाएंगे मैंने हंड्रेड रुपीज़ का एक ग्रीन वाला पैकेट लिया पूरा इसमें बारह का सेट है और ये सिर्फ और सिर्फ हंड्रेड रुपीज़ का मिल जाएगा उसके अलावा आप जो थोड़े अच्छे वाले लेंगे तो वन इस तरीके का रहेगा ये था वन का बारह का पीस है बट इसकी भी क्वालिटी बहुत बहुत अच्छा था मतलब कॉटन का बहुत मोटा कपड़ा था ये बिल्कुल भी हल्के वाला मटेरियल नहीं था इसके अलावा आपको ये सारे जो बैग्स लगे हैं इनकी मैं मिनिमम प्राइस रेंज बता देती हूँ ये दो सौ से शुरू हो जाते हैं उसके बाद ही अकॉर्डिंग टू साइज़ इनकी जो वेरिएशन है वो हो जाता है प्राइस में इसलिए वेरी करते हैं क्योंकि साइज़ेस में भी वेरी कर रहे हैं ठीक है ये वाले भैया जी हैं और इनके पास से सारा सामान लगा रहता है शॉप्स बंद रहती है हैं संडे को इसीलिए पटरी बाज़ार लगा रहता है और पटरी बाजार से आप सिंगल पीस भी ले जा सकते हैं इसके बाद इन वाले भैया के पास जैसा डिस्पेंसर आया था डोरीमोन का सिक्स फिफ्टी के अंदर और इसके अलावा आपको ये बच्चों के लिए मिल जाएंगे फिफ्टी रुपीज़ का ये पूरा नेरल एक्सटेंशन टाइप का छोटी सी गर्ल्स के लिए प्लेइंग करने के लिए है आपको इसके अलावा सारी आइटम्स यानी कि शॉर्पनर्स आपको क्लेज स्लाइम एवरी थिंग यहाँ मिल जाएगा इस तरह के शॉर्पनर्स मिल जाएंगे इनका जो प्राइस रहता है वो अलग अलग रहता है इसके अलावा ये देखो ये मुझे बड़ा सुंदर लगा ये पूरा ना पेडिक्योर का किट है जो सिर्फ सेवेंटी रुपीज़ का है जबकि ऑनलाइन अगर आप प्राइस चेक करेंगे तो ऑफ़कोर्स ये आपको ज़्यादा ही मिलेगा इसके अलावा बच्चों के ऐसे ब्रशेस मिल जाएंगे ये सारा का सारा चाइनीज़ आइटम है तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये दिल्ली की बेस्ट चाइना मार्केट है जहाँ पे आपको बेस्ट प्राइस पे बेस्ट डील्स मिलती हैं और आपको इसके लिए किसी सेल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है आप किसी भी संडे को आकर यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है तो प्लीज़ अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान रखिए उसके अलावा आपको इस थर्टी रुपीज़ का शॉपनर मिल जाएगा इस तरीके का ये देखिए ये बहुत सुंदर लग रहा था काफ़ी यूनिक भी लग रहा था और इसके अंदर आपको बहुत सारे डिज़ाइंस वेराइटी मिल जाती है यानी कि शॉपनर ही ये स्कूटर भी एक शार्पनर है इसके नीचे गोल बना हुआ था तो ये भी एक थर्टी रुपीज़ के अंदर शॉपनर है इसके अलावा आपको ऐसे डायरीज मिल जाएंगी पचास पचास रुपये की रेंज में आपको इनके पास हर टाइप की वैरायटी मिलेगी फ्लोटिंग पेंस मिल जाएंगे कलर पेंस मिल जाएंगे हाईलाइटर्स मिल जाएंगे यानी कि बच्चों की स्टेशनरी से रिलेटेड और आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड जितनी भी आइटम्स रहती हैं वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगी इनफैक्ट कुछ तो ऐसी पैकेजिंग्स में मिल जाएंगी जिन्हें आप गिफ्ट कर सकते हैं थर्टी रुपीज़ का इरेजर था इतना बड़ा ये पूरा जो क्रॉन देख रहे हैं पूरा का पूरा इरेजर है तीस रुपये की रेंज में इस तरह के जोमेट्रिक बॉक्सेस मिल जाएंगे जो इनकी प्राइस रेंज है वो सेवेंटी रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है उसके बाद कोई नाइन्टी का रहेगा कोई वन हंड्रेड का इस तरह से चेंज भी होता रहता है आपको ये सेट मिल जाएगा सौ रुपये का यानी कि आप किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी अभी आपको बलून्स मिल जाते हैं पचास रुपये का पैकेट बाकी इनके पास बर्थडे थीम से लेके सारी आइटम्स रहती हैं जो आपको ऑनलाइन तो आधे से भी आधे में मिलेंगी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तीस रुपये चालीस रुपये पचास रुपये इनका प्राइस रहता है तो ये पूरा स्टॉल आप देख लीजिए इनके भैया के पास बलून यानी कि बर्थडे से रिलेटेड और से, सेलिब्रेशन से रिलेटेड सारे थीम सब कुछ थे उसके बाद इन्होंने कुछ बॉक्सेस भी रखे हुए थे जिनके प्राइसेज दो सौ ढाई सौ साढ़े तीन सौ सबसे ऊपर वाला दो सौ ढाई सौ साढ़े तीन सौ ये इनके पास तीन प्राइसेस थे इन कंटेनर्स के तो आप इसमें दो कलर अवेलेबल हैं कोई भी अपने यू नो नीड के हिसाब से ले सकते हैं ये पाउच मिल जाएगा आपको हंड्रेड रुपीज़ का इसमें जिप लगी हुई है थोड़ा लाइक like सॉफ़्ट मतलब मटेरियल में है और बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल का लग रहा है और इसके अलावा आप दूसरे पाउच जैसे ये वाला पाउच मैंने खुद भी खरीदा और इसका प्राइस था वन सिक्सटी रुपीज़ यानी कि मैंने एक सौ साठ रुपये में ये प्राइस ये प्राइस प्राइस मैंने ये पूरा पाउच लिया आपको भी एक वन सिक्सटी में आपको सिंगल पीस मिल जाएगा और इसमें ये सारे कलर डिज़ाइन अवेलेबल थे गर्ल के लिए भी और बॉय के लिए भी इस तरह की पाउचेस भी मिल जाएंगे आपको प्राइस की बात करूँ तो सौ रुपये से यहाँ पर बहुत अच्छे वाले पाउचे स्टार्ट हो जाते हैं तो आप यहाँ से गर्ल बॉय दोनों की थीम के हिसाब से आप शॉपिंग कर सकते हैं आपको डायरीज मिल जाएंगे ऐसे यूनिकॉर्न्स वाली अब इसके अलावा आप देखिए आपको ऐसे गिफ्ट पैक्स भी मिल जाएंगे थ्री हंड्रेड का ये गिफ्ट पैक था जिसमें एक पूरा केटल था और दो इसके साथ मैचिंग यू नो कप्स लगे हुए थे ये भी बहुत प्यारा लग रहा था इसके अलावा ये मनी बैंक आए हुए थे वन एटी रुपीज़ में ये भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था मैं आपको भी बहुत क्लोजअप से भी दिखाती हूँ सिर्फ और सिर्फ वन एटी रुपीज़ का ये मनी बैंक है उसके अलावा आप ये स्टोरेज वाला बॉक्स देखिए ये आपको सिर्फ और सिर्फ साढ़े तीन सौ रुपये में मिल रहे हैं किड्स रूम में रखने के लिए मुझे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा जब मैंने इसका ऑनलाइन प्राइस चेक किया तो इट वाज लाइक यू नो अराउंड ट्वेल्व हंड्रेड बट आपको यहाँ पर साढ़े तीन सौ में मिलेगा वन एटी का आपको ये मनी बैग मिलेगा उसके बाद आपको ये वाले कुछ लाइटिंग का आ, यू नो ग्लास है ये जिसमें देखो ऐसे टैप करेंगे तो लाइट्स चेंज होती हैं भैया भी अभी करके भी दिखाएंगे आप मतलब जितनी बार इसे टैप करेंगे तो इसमें अलग अलग कलर्स आएंगे लाइक अभी जैसे जैसे पिंक है ग्रीन है पर्पल है तो ये सारे कलर्स टैपिंग पे चेंज हो रहे हैं ये भी बहुत अच्छा था और इसका जो प्राइस था वो था टू हंड्रेड के अराउंड ठीक है अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ इनके पास अब बैग्स का कलेक्शन देखो माय गॉड इनके पास भी बहुत सुंदर था इसके बाद ये बॉटल का सेट मिल जाएगा आपको पूरा तीनों बॉटल तीन सौ रुपये में मिलेंगी तो आ, तीन सौ रुपये का ये सेट है इसके अलावा बैग्स पे एक बार नज़र डाल लीजिए इनके पास बहुत हाई क्वालिटी के एकदम क्लासिक बैग्स रहते हैं एट वेरी रिजनेबल प्राइस यानी कि अगर ये वाले बैग्स अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे या आप किसी और मार्केट से लेंगे तो आपको बहुत महंगे पड़ेंगे बट यहाँ पर आपको सिंगल पीस भी मिलेगा वो भी होलसेल प्राइस जैसा ही मिलेगा ऑलमोस्ट तो आपको रिटेल पे सिंगल आइटम्स मिल जाएंगे इस तरह के आपको डेकोरेटिव आइटम्स मिल जाएंगे जैसे ये बड़ा प्यारा लग रहा था तो ये जो इनका प्राइस था वो टू फिफ्टी का अराउंड था ठीक है और आपको ढाई सौ रुपये में इस तरह के पापीज मिल जाएंगे तो ये बड़े प्यारे लग रहे थे उसके वजह से मोंक वाला सेट मिल जाएगा थ्री हंड्रेड का तो आपको 200 250 300 400 तीन में तो यहाँ बहुत अच्छी आइटम मिलेगी जूस वाली मशीन थी थ्री हंड्रेड रुपीज़ के तो ये सारी आइटम्स आपको डेढ़ सौ रुपये में आपको ऐसे पूरे गर्म और यू नो ठंडे वाले थर्मो वाले ऐसे कैटल्स मिल जाएंगे ऐसे मतलब बॉटल्स मिल जाएंगे जो सिर्फ वन की थी उसके अलावा अगर आप इस तरीके का कुछ डेकोरेटिव देख रहे हैं जैसे एलिफेंट का सेट हो गया और बुद्धा जी इनके सबके प्राइजेस अलग अलग हैं क्योंकि साइजेस सबके अलग अलग हैं तो प्राइस भी अलग अलग है ये जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है हैं ये कुछ सेवन के अराउंड भैया ने मुझे बताया और बाकी सबके प्राइस अलग थे तो मैंने नहीं पूछे क्योंकि मुझे सात सौ रुपये थोड़े से ज़्यादा लगे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे थोड़े से ज़्यादा लगे बाकी डॉल्स मुझे बहुत प्यारी लगी और इन डॉल्स का प्राइस है फोर फिफ्टी ठीक है जी साढ़े चार सौ में ये बहुत सुंदर डॉल्स मिल रही थी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी इन भैया के पास सॉफ्ट टॉयज वाकई में अच्छे थे उसके अलावा आपको जो भी गर्ल्स से रिलेटेड आइटम्स चाहिए न्यू बॉर्न बेबी की आइटम्स भी इन भैया के पास बहुत सारी थी ऐसे ऐसे-ऐसे पिन थी क्लिप्स थे तो ये बहुत ही नॉमिनल रेट पर भी दे रहे थे और इनका प्राइस भी काफ़ी जेनविन लग रहा था तो जिनका जेनविन लग रहा है मैं आपको जेनुन बता रही हूँ जिनका मुझे हाइप लग रहा है वो मैं हाइप भी बता रही हूँ उसके अलावा आपको ऐसे बेबी सिलिकॉन तीथर्स मिल जाएंगे और ये जो आप ऑनलाइन देख रहे हैं ये बहुत महंगा रहता है तो ये नाइन्टी नाइन्टी रुपीज़ में दे रहे थे इसके अलावा ये बॉटल्स हैं इन सब के प्राइजेस भी अलग अलग हैं बट स्टिल मैं बोलूँगी बाहर से सस्ता ही मिलेगा ठीक है जी और इसके बाद आपको ये पाउचेस मिल जाएंगे अब अपने ये वाला बनी देखो ये ना भैया ने मुझे तीन सौ रुपये का बताया बट इसकी क्वालिटी ना वाकई में मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगी बहुत ज़्यादा स्मूथ था फैब मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा सॉफ्ट बनी है और ये सिर्फ तीन सौ का है इसके अलावा एक डॉल्स है नीचे ढाई सौ रुपये की हैं जी टू फिफ्टी की जो बड़ी वाली आपने बाहर देखी थी लंबी लंबी वो थी फोर फिफ्टी की तो ये भैया भी एकदम रीज़नेबल आइटम्स दे रहे थे एक ही गली है आपको ना लेफ्ट ना राइट ठीक है बिल्कुल स्ट्रेट आप जाएंगे आपको सब एक्सप्लोर होता जाएगा उसके अलावा आपको ऐसे किचन के बॉक्सेस ये जो ब्लू वाला देख रहे हैं आप ये तीन सौ का और आगे डेढ़ सौ का पर्पल वाला जिसमें दो हैं ठीक है वो डेढ़ सौ का और चार वाला मिल जाएगा आपको थ्री हंड्रेड के आसपास का ठीक है आप थोड़ा वो तो लिटिल बिट बार्गेनिंग ऊपर नीचे कर लेना प्लस माइनस उसके अलावा आपको इस तरीके के जोमेट्री बॉक्स सेवेंटी रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया तो काफ़ी सारी ये एक बहुत बड़ी चाइनीज़ मार्केट है और बच्चों से रिलेटेड तो बहुत ही बढ़िया मतलब मैं अपने बच्चे ले आऊँ तो वो तो एकदम फैल ही जाए उसके बाद आपको नाइन्टी रुपीज़ का सॉल्ट एंड पेपर का मिल जाएगा सेट जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था बहुत एक्सपेंसिव रहता है ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ नब्बे रुपये में मिल रहा था जो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे किचन यूज़ के लिए तो आपको ये सारे जूस की मशीन भी थ्री हंड्रेड रुपीज़ की मिल जाएंगी तो किचन से रिलेटेड बहुत सारी आइटम्स भी आपको यहाँ मिलेंगी ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेशनरी है किचन से रिलेटेड आइटम्स होम यूटिलिटी से रिलेटेड जैसे सिलिकॉन बाथ स्क्रबर है ये सिर्फ पचास रुपये का है जबकि ऑनलाइन इसका प्राइस कितना ज़्यादा आ रहा है तो आपको ये फिफ्टी रुपीज़ में मिल जाएगा कलर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे आपको इसके इनके पास ना काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी जैसे कि रोप बहुत अच्छी लगी मुझे एक रॉप थी इनके पास वो भी मुझे काफ़ी सॉलिड लगी और सिर्फ उसका प्राइस था पचास रुपये ये वाली रोप का सेट था ओनली फिफ्टी रुपीज़ तो इनके पास भी काफ़ी सारी अच्छी, अच्छी अच्छी आइटम्स थी तो ये वाले भैया के पास भी आप चेकआउट कर सकते हैं उसके बाद आपको पचास रुपये कैसे ये मिल जाएंगे होल्डर्स जो टेप चिपकाने वाले होते हैं उसके अलावा आपको जैसे ये पूरा मतलब क्लीनिंग पर्पज़ से जितनी भी आइटम्स लगती हैं घर में मैं बता रही हूँ ना होम यूटिलिटी कह लीजिए और सर्विंग के हिसाब से कह लीजिए स्टेशनरी के हिसाब से और होम डेकोर ये भी पाँच पचास रुपये की जबकि तीन लेकिन अगर आप ऐसे पेस्टल कलर पर पे ना जाओ ना तो आपको पूरा पचास रुपये में बारह वाला सेट भी इस मार्केट में मिल जाएगा ठीक है आपको ऐसे शावर्स मिल जाएंगे ओनली हंड्रेड रुपीज़ उसके अलावा आपको ये वाली चेन थी ये ना रोप एकदम लंबी हो जाती है और इसमें क्लिप्स लगे हुए थे ये भी बहुत बढ़िया थी पचास रुपये का आपको ऐसे सेट्स मिल जाएंगे तो इनके पास भी काफ़ी सारे हैंगर्स वगैरह और बाथरूम में लगाने के लिए ना जैसे थ्री कॉर्नर्स का सेट होता है वो सौ रुपये का दो सौ रुपये का तो काफ़ी अच्छे रीज़नेबल प्राइसेस पे इनके पास भी बहुत सारा सामान था और आपको एंटी स्लिपरी मैट्स वगैरह सब मिल जाएंगे बाकी आप ये जो काओ और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं इनके प्राइसेस गणेशा जी मुझे बहुत पसंद आए थे तो ये तीन सौ रुपये के हैं और जो आपने आगे गैया देखी वो छोटी सी वो डेढ़ सौ रुपये के आसपास की थी और इसमें इनके पास ये आउल वाला सेट भी था एक तो उसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं था वो भी ऐसे ही था तीन सौ बीस का कोई दो सौ बीस का ये मोंग वाला सेट ऐसा मतलब वो बता रहे थे कि पाँच या आठ होंगे तो ये कुछ फाइव हंड्रेड के अराउंड का बता रहे थे ये बाकी आउल वाले आपको दो सौ तीन सौ के हिसाब से मिल जाएंगे तो जो इनके प्राइसेस हैं वो भी बहुत नॉमिनल हैं आप ऐसे होम डेकोर पीसेस भी यहाँ से ले जा सकते हैं ठीक है व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना विन विंजेम्स आई हुई थी यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है फेस्टिवल में भी अपने घर में लगाने में भी मन करता है उसके अलावा ये क्लॉक मिल जाएगी थ्री हंड्रेड के आसपास की मतलब बड़ी छोटी के साइज़ के हिसाब से रहता है सेवेंटी रुपीज़ में आपको बॉक्सेस मिल जाएंगे टिफिनस मिल जाएंगे जो काफ़ी अच्छे थे बाकी स्टील वाला अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है बट उनका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा था आपको 150 में ऐसे बैग्स मिल जाएंगे यानी कि बहुत सारे लेडीज़ परसेस भी भैया लेके बैठे हुए थे एक जिनके पास सारा का सारा कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ डेढ़ डेढ़ सौ रुपये का था इसके अलावा आपको ऐसे फ़ोटो फ्रेम्स मिल जाएंगे ये भी डेढ़ सौ दो सौ डेढ़ सौ दो सौ में है ये वाइट वाला मुझे पर्सनली बहुत पसंद आ रहा था ये ना प्लास्टिक के हैं वेट बिल्कुल वेटलेस है हाथ में लेंगे तो लगेगा एकदम कुछ उठाया ही नहीं है बाकी गिफ्टिंग परपज़ से मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे ठीक है ये सारी आइटम्स आपको मिल जाएंगी सदर बाजार संडे पटरी बाजार ठीक है और आ, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करिए आई विल रिप्लाई कोई भी गाइडेंस चाहिए लाइक कहाँ पर कौन सी शॉप लगती है या कोई किसी भी तरीके की ये भी वन सिक्सटी का था गणेश जी का और इनके पास काफ़ी सारे आइडल्स लाइक भगवान जी के बहुत सारी मूर्तियाँ थी प्लस डेकोरेटिव पीसेज भी थे जो इस तरीके के थे ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और इन सब का प्राइस भी इसी तरीके का था यानी कि आप मान के चलिए कि हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड के बीच में आ जाएगा ये पंद्रह रुपये के हैं ये पचास रुपये का दिखा देखा आपने अभी ग्लोब जो आगे लगे थे ना वो 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 फिफ्टीन फिफ्टीन रुपीज़ के थे फिर पच्चीस पच्चीस रुपये के ये जो लाइट वाले हैं वो पचास पचास रुपये की आइटम्स है सारी ठीक है यानी कि जिनमें लाइट जलेगी वो थोड़ा सा महंगा रहेगा बाकी बिना लाइट के तो पंद्रह और पच्चीस वाले भी आपको अच्छे छोटे 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 गिफ्ट पैक्स हैं दिवाली पे जिन्हें आप गिफ्ट करने के यूज़ में ला सकते हैं या अपने घर के लिए भी ले सकते हैं ऐसी क्लॉक्स अगर आप चाहते हैं तो 200 300 की रेंज में आपको ये सारी क्लॉक्स भी अवेलेबल हो जाएंगी इस मार्केट में मैंने पचास रुपये की ऐसी दो गन्स ली ये छर्रे वाली गलत है छिचकाउंट डिचकाउंट उसके अलावा ये मैंने ये पेपापिक वाला पाउच सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सौ का था सारे पाउचेस इसी प्राइस रेंज में आपको यहाँ मिल जाएंगे तो ये मार्केट सच में बहुत चीप होने वाली है यानी कि आपको बहुत ही सस्ते दामों पे यहाँ पर लैम्पस मिल जाते हैं डेढ़ डेढ़ सौ रुपये में तो आ जाइए इस मार्केट को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा और अगर आपने मेरा वीडियो और वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखिएगा मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में बाय